सो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बनाने का ये फ़ायदा होता है कि मुझको नई नई जगहें देखने को मिलती हैं। मैं दुबई हिल्स के एरिया में इससे पहले नहीं आया था, सुना बहुत था, लेकिन अभी कुछ डेवलपर्स के ऑफिस थे वो यहाँ दुबई हिल्स में मौजूद थे। ऑल्दो कि ये प्रॉपर्टीज़ खुद दुबई हिल्स में नहीं है, दुबई हिल्स के एरिया में मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि और कोई इसमें प्रोजेक्ट मिले तो मैं अपने पार्टनर से बात करूं, महमूद से। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है यार, ये अच्छा एरिया बहुत। मुझे एमआर के जब एरिया में आते हैं ना, जो मास्टर डेवलपमेंट होती है उसकी उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। तो अभी तो खैर हम पार्क हाइट्स के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर इम्तियाज डेवलपर का ऑफिस है, राइट? डेवलपमेंट। तो क्या थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में? अच्छा, प्रोजेक्ट लोकेटेड है दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में, न्यूली लॉन्च किया इन्होंने कोफ बाय इम्तियाज करके। ओके, और डेफिनेटली वो हम सारी डिटेल्स आगे देखेंगे। हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि इनके शो अपार्टमेंट प्लस मॉडल वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। आप अगर इमार की वैसे अगर मैं बात करूँ, इमार में ही क्यों इन्होंने ऑफिस बनाया, क्योंकि ये एक कमर्शियल हब बना हुआ है पूरा दुबई हिल्स में। तो डेफिनेटली इमार कोशिश कर रहा है कि जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी ऑफिस हैं कमर्शियल ऑफिस, वो यहाँ पर आएँ, तो उसकी अपनी खुद की फिर ब्रांडिंग या मार्केटिंग होती है। राइट, तो अभी इम्तियाज डेवलपर, इम्तियाज हमारे पास डेवलपर है, राइट? और ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। चलो यार, अंदर चलते हैं फिर। हाँ, अंदर चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह। लेकिन बड़ा अच्छा एरिया लगा बाय द वे मुझको, अगर इसमें कोई प्रोजेक्ट होना तो वो भी करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं लोकेलिटी पहली दफा इस लोकेलिटी में आऊँ। इम्तियाज डेवलपर के बारे में कुछ बताओ कि कितना इसने प्रोजेक्ट किए हैं पहले? अच्छा, ये प्राइवेटली ओन डेवलपर है जिसने 10 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड किए हैं, लॉन्च किए हैं, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट्स, और 2 डिलीवर्ड कर चुका है। अच्छा, रिसेंटली था, ठीक है। तो डेफिनेटली 8 ऑन गोइंग है, और रिसेंटली उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसी के लिए जो है ना हम यहाँ पे आए। शो अपार्टमेंट जो इसका यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली उसी मॉडल का होगा उसके इससे पहले वाले प्रोजेक्ट का था, बट सिमिलर आपको चीजें ही सेम मिलेंगी। वैसे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, एजेंट्स बात बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ। वो सारे यही कि भाई हमें एक अच्छा यूनिट मिल जाए, एक अच्छे प्राइस पे मिल जाए, और पसंद का लेआउट मिल जाए। तो अवेलेबिलिटी का क्या स्टेटस? अवेलेबिलिटी है अभी इसमें काफी। हाँ। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, डेफिनेटली पीपल आर इंटरेस्टेड दिस प्रोजेक्ट, और वजह से यही है कि विद द प्राइस टैग और जो क्वालिटी इम्तियाज दे रहा है, तो उस एरिया में ऐसा कोई डेवलपर अभी तक नहीं है। ठीक है, तो एरिया पे बात करते हैं और प्राइस पे बात करते हैं जरा आगे, वो उसके मॉडल की तरफ चलते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट का मॉडल है, तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसमें एमिनिटीज हैं, क्या कौन से लेआउट्स हैं। स्टूडियो है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम्स हैं, तीनों कम्बिनेशन हैं, प्लस जो एमिनिटीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उस एरिया में अगर किसी टावर में इतनी ज़्यादा एमिनिटीज नहीं है। दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स का एक एरिया है जस्ट अपोजिट टू अकेडमिक सिटी, जहाँ भी ब्लू मेट्रो लाइन आपकी आने वाली है, ठीक है, तो उसी के साथ ये दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में लोकेट करता है। तो उस एरिया में इस तरीके की लग्जरी प्रोजेक्ट जो है ना वो अभी तक नहीं आया, तो डेफिनेटली वो लो राइज बिल्डिंग्स आएंगे सारी। एजी जो हमने कवर किया था वो सी। अच्छा, ये वही वाला एरिया है जिसमें एजी था। एजी, ठीक है, एजी के तो काफी ज्यादा हमने कवर किया था, 1% पेमेंट प्लान वाले। तो ये वाला जो ये डिफरेंट है, ये 60-40 पेमेंट प्लान, हम बात भी करेंगे इस पे, और डिफरेंट और क्या इसमें डिफरेंट है उस दूसरी बिल्डिंग से वो भी आप देख सकते हो। आप देखेंगे तो ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर की ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ठीक है। और एमिनिटीज वाइज बात करेंगे तो आपके पोडियम लेवल पे एमिनिटीज हैं, ठीक है, हमारे पास 19 फ्लोर पे, और एक रूफ टॉप पे अगर आप कैमरा दिखाए, ठीक है, टॉप पे वहाँ पे आपको एमिनिटीज नजर आएंगी। तो पूल आपका जो है वो रूफ टॉप पे भी है आपका, ठीक है, एक आपका 19 फ्लोर पे है पूल और एक आपका पोडियम पे, तो 3 पूल आपको नजर आ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, डेवलपर अब सिंगल एमिनिटीज पे बात नहीं कर रहा, वो मल्टीपल एमिनिटीज को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये योगा पूल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है 19 फ्लोर पे। अगर आप पोडियम पे बात करेंगे तो पोडियम पे इनका एक इन्फिनिटी पूल आ रहा है, ठीक है, आपका टेनिस कोर्ट है, बास्केट कोर्ट है, जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरिया और जिम पूल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पोडियम लेवल पे। होता ही है कि पहले बिल्डिंग लॉन्च होती हैं या अभी भी जो है, तो एक ही जगह एमिनिटीज होती है तो रश ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है। हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, टॉप पे, टॉप वाले टॉप पे जा सकते हैं, मिडिल वाले मिडिल पे आ सकते हैं, और नीचे भी बड़ी। आप अगर टॉप पे भी देखेंगे तो टॉप पे आप बिल्कुल आपको एक डिफरेंट एक नजर आ रहा होगा इसका सिनेरियो। तो इसमें कॉम्बिनेशन यही है कि स्टूडियोज मेरे अपोजिट साइड पे स्टूडियोज हैं सारे, ये मेरा 1 बेडरूम है, इसके फेसिंग टुवर्ड्स की पार्क है और रोड है, सही, तो इसके आगे डेफिनेटली कुछ नहीं है हमारे पास ब्लॉकिंग, ठीक है, और लेफ्ट पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं और यहाँ पे भी हमारे 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हम उसका रेंडर भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये एंट्रेंस ऑफ द लॉबी आप देख सकते हैं कि एक अच्छे हाइट के साथ आपको एंबियंस लॉबी आपको मिल रही है। हाँ, और यहाँ पर इसकी ये क्वालिटी नजर आ रही है कि बिल्कुल यहाँ पे जो ये बात हो रही है कि टाइल्स कैसे होंगे, ठीक है, ये आपका वॉल आ गया, ये मार्बल यूज हो रहा होगा आपका वॉशरूम में, ये आपके जो वुडन वर्क्स हैं, ये आपके हैंडल्स है ना इस तरीके से, और ये आपके सैनिटरी आइटम, ठीक है, सेम थीम यही यूज हो रही होगी आपके इस कोव बाय इम्तियाज। सही, और इसका जो लोकेशन है, इसके व्यूज किस तरह से मिल लोगे, कुछ आइडिया कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर देखता हूँ? बिल्कुल, यहाँ वालों को डायरेक्टली अलैंड रोड का व्यू मिल रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से जो सामने वाले रोड है उनको कम्युनिटी व्यू मिल रहा है, ठीक है, एक एक साइड पे अगर मैं इस तरफ बात करूंगा तो ये आपका स्काईलाइन व्यू आएगा दुबई का। अच्छा, जो डाउनटाउन का, डाउनटाउन का, ठीक है, आफ्टर लाइक 18 और 19 फ्लोर, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर जो है आपके जितने अपार्टमेंट होंगे उनको स्काईलाइन व्यू मिलेगा। अच्छा, ठीक है, सही। तो अगर हम इसको इसके अपार्टमेंट चले, आपको ये भी एक यहाँ पे एडवांटेज है क्योंकि ये ग्राउंड 32 प्लस फ्लोर बिल्डिंग है, तो सराउंडिंग में जितनी बिल्डिंग्स हैं वो ग्राउंड प्लस 12, ग्राउंड प्लस 13, ग्राउंड प्लस 15 तक हैं, इतनी मतलब 20 प्लस बिल्डिंग वहाँ पे अभी तक नहीं बननी चाहिए। तो अगर आप 13 से ऊपर चले जाते हैं, हम 15 से जैसे ऊपर जाएंगे डेफिनेटली आपको एक अच्छा 360 व्यू सिटी का नजर आएगा, लेजी रिवर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, योगा एरिया, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब ये पूरा सराउंडिंग में सारी एमिनिटीज जो है ना वो आपको मिल रही है। अगर हम थोड़ा और इसमें एक और चीज मैं इंक्लूड करूंगा, जो मेरे पास पोडियम के अपार्टमेंट्स हैं उसमें पूल इंक्लूडेड है, मतलब स्विमिंग पूल, प्राइवेट पूल। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक तो आपका बिल्डिंग का पूल आ गया, ठीक है, इसी तरीके से प्राइवेट पूल भी है आपके पोडियम पे एट द स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम, राइट, तीनों में, राइट, सही, जबरदस्त। प्लस जो कॉम्बिनेशन ऑफ द अपार्टमेंट है, तो किसी में जकूजी है और किसी में नहीं है, बस ये फर्क है, ठीक है, जकूजी होगा डेफिनेटली बैल्कनी में आपको एक जकूजी बना देंगे, नहीं होगा तो वो बिल्कुल आपका प्लेन बैल्कनी आ जाएगी। सही, लेकिन उसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, और अगर आप ये पूरा ये आपका इन्फिनिटी पूल जो है ना ये यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। रश बहुत है हमें जो है ना वीडियो में टाइम लग रहा है बनाने में, ये इसका जो मॉडल अपार्टमेंट है ये जो 209 नजर आ रहा है, ये इसी तरह से होगा? हाँ, अच्छा, ये थोड़ा ऊपर होगा प्लेट जो है ना, बट आपको कोई लाइट नजर आ रही होगी, इम्बोजमेंट होगी आपके यूनिट नंबर की, तो क्वाइट डिफरेंट होगा अदर अपार्टमेंट से, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइबर भी मिले थे हमें, आप ये भी मिले, सही है, वो तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि डेवलपर कौन है, तो डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड हैं और प्री लॉन्च पे वो कोशिश करते हैं कि अच्छी प्राइस पे बुक कर लें। हाँ, लेकिन हमारी वीडियोस क्योंकि देर से आ रही होती है, लेकिन खैर वो तुम लोगों से अगर वैसे बात करें तो तुम उनको वैसे भी बता देते हो ना, इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं, हम अपडेट करते रहते हैं कस्टमर को कि ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो डेफिनेटली हमारी अपडेट चलती रहती है, ठीक है। चलो अगर अंदर चले, अच्छा, ये टिपिकल 1 बेडरूम है हमारे पास, ठीक है, लेआउट ये इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट का सेम लेआउट था, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो अभी रिसेंटली अभी लॉन्च किया जिसकी हम बात कर रहे हैं कोव की, उसमें भी ये लेआउट सेम है, बस थीम जो है ना वो जो हमने दिखाया था आपको मॉडल के साथ वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और ये सेंटर टॉप होगा आपके पास, ठीक है, मिरर्स इंक्लूड होंगे, और सबसे बड़ी ये फुली फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है। हाँ। अच्छा, इसके मिरर्स बहुत जबरदस्त हैं, जो जो इसके अंदर इसका बड़ा नजर आ रहा है ना, बिल्कुल, मतलब कितना स्क्वायर फीट, 850 स्क्वायर फीट का ये 1 बेडरूम है। हाँ। आपने आते ही पहले पूछा था कि क्या ये इतना बड़ा है, तो मिरर की वजह से ये आपको इतना बड़ा लग रहा है, राइट, ठीक है, राइट, सो दैट डेफिनेटली, और प्लस आपकी जो विंडोज वगैरह है रोशनी की वजह से सारी चीजें इंक्लूडेड आपको मिलेंगी, आपको किचन अप्लायंसेस, प्रोबेबली थीम डिफरेंट होगा लेकिन चीजें इसी तरह, राइट, थीम वो जो बेज कलर की हमने देखी थी ना ये उस तरीके से होगा आपका, वो मार्बल जो है जो हमने देखा था लाइट, बेसिकली थोड़ा लाइट कॉन्ट्रास्ट पे होगी इसकी थीम, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है इनकी, ठीक है, सही। तो अगर किचन अप्लायंसेस की बात करेंगे तो वही स्टोव, फ्रिज, ओवन, ये सारी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें तो आपको जैसे ही आपको हैंडओवर होगा आपको शायद कर्टन और मैट्रेस वगैरह इस तरह की चीजें, तो तीन चीजें थी जो इंक्लूड नहीं रहेंगी, मैट्रेस, कर्टन और कारपेट, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू हाइजेनिक उन्होंने उसको थोड़ा सा रखा कि अप टू कस्टमर की चॉइस पे, क्योंकि बहुत से लोग कर्टन्स को डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, कारपेट की डिफरेंट होती है, और आपके मैट्रेस तो खास तौर पे, तो मैं भी ये एडवाइस करूंगा कि मैट्रेस डेफिनेटली फिर आप अपना सेपरेट ही रखें, राइट, तो इसको जैसे ही एंटर होते हैं तो हमें यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर नजर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, गैस वॉशरूम आपके पास है, ठीक है, प्लस एक स्टोरेज एरिया, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा
क्वाइट डिफरेंट है स्टाइलिंग के हवाले से. अच्छा, इन्होंने मशीन ऊपर रखी है. मशीन ऊपर रख दी है और नीचे और ऊपर जो है ना स्पेस यूटिलाइज की है. ठीक है, सही. सो जबरदस्त. और ये पूरा का पूरा सामने ग्लास वॉल है. ग्लास वॉल आ जाएगी और ये वो फ्लोर टू सीलिंग हाइट आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेटली ये तो हमारा अगेन ये जो लोकेशन है इसके ऊपर मुझे बनवानी है कोई वीडियो. हमने दुबई हिल्स पे एक बनाई भी है. बिल्कुल, हमने दुबई हिल्स पे वीडियो बनाई भी ऑलरेडी, वो देख सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि शायद हमारे पास कोई रीसेल का कोई अगर अपार्टमेंट आता है तो हम उसको भी. नया प्रोजेक्ट नहीं है इधर दुबई हिल्स. इमार ही लॉन्च कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स. तो जो हमने मास्टर प्लान में देखी है चीजें, जैसे अभी रिसेंटली विदा इन्होंने अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं बहुत अच्छे हाई प्राइस पे 1.8 मिलियन के. डेफिनेटली प्राइस ब्रैकेट ज्यादा होता है लेकिन आपको कम्युनिटी की जो एम्बियंस है वो डिफरेंट नजर आएगी. राइट. अच्छा, बाकी शैंडलियर वगैरह भी सब कुछ इंक्लूड होगा इसके? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें इंक्लूडेड है. तो फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है. ठीक है, तो वजह से भी यही है कि आप जस्ट लें इसको रेंट पे कर लें या आप सो मंथली बेसिस पे. और वो क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है, बल्कि मैं अभी कुछ दिनों पहले वो डीएसओ में एक यूनिवर्सिटी थी आरआईटी, उसमें टॉक्स भी दिए मैंने. तो वहाँ पर वही सोच रहा था इतने सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो रहते कहाँ होंगे, क्योंकि अगर मैं रहता हूँ दूर और मेरा बच्चा कहीं जाता है यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो हो सकता है उसके लिए कम्यूनिटी जो है ना वो एवरीडे की मुश्किल हो जाए. तो उसके लिए सराउंडिंग एरिया में अगर कोई इस तरह के अपार्टमेंट्स हो, जो कि नॉर्मली बाहर भी होता है, वेस्ट में भी यही होता है कि जो यूनिवर्सिटीज के आसपास के जो एरियाज होते हैं वो उसके रेंटल्स बढ़ जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि वो स्टूडेंट्स रहना चाहते हैं वहाँ पर और वो चाहते हैं कि एज मच पॉसिबल जैसे ही वो आए उसके अंदर वो रह ले, मतलब उनको कोई एक्स्ट्रा मतलब फर्नीचर ना डालना पड़े या कुछ ना, वो रेडी टू मूव इन होना चाहिए. क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली वो एक चीज पे 2 से 3 साल के लिए, 4 साल के लिए मैक्सिमम. इवन मैं तो कहता हूँ जो लोग लोकल भी होते हैं वो लोग भी कभी कभी प्रेफर नहीं करते कि वो बहुत ज्यादा दूर से ट्रैवल करें. अगर वो दुबई में दूसरी साइड पर रह रहे हैं या शारजा में रह रहे हैं या अबू धाबी में रह रहे हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि वो जो है ना करीब रहें. तो इसलिए जो है ना ये एरिया बड़ा प्रेफरेबल है दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स. तो मैं आपको कहूँगा अपकमिंग फुरजान है ये. ठीक है, जो हम फुरजान में बात कर रहे थे, जो आपके एक आपके सब्सक्राइबर भी बता रहे थे कि 5-5.5 लाख का था, 7-7.5 लाख का इसी डेवलपर का. हाँ, इसी डेवलपर का. ठीक है, फुरजान में लॉन्च किया था. सही. तो डेफिनेटली लोकेशन वाइज जब डेवलपर ने चूज किया तो यही कि यार हमने क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं कि उसकी प्राइस अप्रिसिएशन आ सकती है. राइट. ठीक है, तो अगर हम आते हैं 1 बेडरूम की तरफ, तो क्वाइट डिसेंट साइज का आपका बेडरूम है. ठीक है, सेम आपको वही कॉन्सेप्ट मिल रहा है, फुली फर्निश्ड, everything will be included. ठीक है, थीम डिफरेंट है इसकी, ये ब्लैकिश में, रेड में, वो बेज और वाइट में होगा. ठीक है, ये आपका डिफरेंस है. सही. और इसमें वॉशरूम साथ में वॉशरूम होगा. अगर वॉशरूम की बात करेंगे तो क्वाइट, अगर बिल्कुल आपने जो पहले भी देखा था कि डिफरेंट है. सही है, और स्टैंडिंग शावर के साथ है. राइट. और ये इसके वॉक इन क्लोजेट है. ठीक है. अच्छा यार, अभी तुम मुझे बता रहे थे इनका एक जो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम भी है, यानी कि आपको बॉटल्स वॉटल की जरूरत नहीं है. बिल्कुल, आपने जर्मन टेक्नोलॉजी का एक उन्होंने सिस्टम इंक्लूड किया हुआ है आपके ही अपार्टमेंट में. सो जो भी आपका टैप वाटर आ रहा है उसी में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको ड्रिंकेबल वाटर आप उसको जो है कर सकते हैं. राइट राइट. अच्छा, तो इस एरिया की इटसेल्फ लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे, दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली अपकमिंग आपका बूमिंग एरिया है ड्यू टू मेट्रो कनेक्टिविटी. और जो एरिया में अभी जितने डेवलपर आ रहे हैं वो इसी उस पर आ रहे हैं कि यार जो एमिनिटीज क्या नाम है, जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि एक एकेडमिक सिटी की डिमांड है, एक आपका सिलिकॉन वेसिस आप कह सकते हैं, दूसरा आपको बिजनेस बेस डायरेक्टली कनेक्टेड है अलायंस से. तो ये इसका एडवांटेज है. राइट. अच्छा, इसके अंदर जो इसका पेमेंट प्लान है, प्राइसिंग पे भी आते हैं, पेमेंट प्लान का क्या स्ट्रक्चर? पेमेंट प्लान, इनके दो पेमेंट प्लान है, 60-40, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 40% ऑन हैंडओवर. ये और दूसरा इनका 70-30, 70 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 30 पोस्ट हैंडओवर 3 साल के लिए. राइट. तो 10-10% 3-3 साल. अभी हमारे जो मिले थे तो उन्होंने जो ना वो ऑप्ट किया था 60-40 का. 60-40 और फिर जब हमने कैलकुलेशन की बैठकर तो हमें भी लगा कि यार 60-40 ही ठीक है. 60-40 70-30 में जो है ना वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रही है वो इट डजंट मेक सेंस और वर्थ नहीं करती वो. बिल्कुल, क्योंकि बहुत से डेवलपर होते हैं वो प्राइस बढ़ा देते हैं पेमेंट प्लान के ऑप्शन पे. तो ये इनका भी यही ऑप्शन है कि वो अराउंड 5-6% 6.6% बढ़ा दी थी. 6% जो इंक्रीज हो रहा है आपका प्राइस पे. तो मैंने पर ईयर बढ़ रहा है. तो मैंने आपके वो उसी सब्सक्राइबर को कहा कि आपने 60-40 लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने 60-40 लिया. तो लोग काफी एजुकेट हो रहे हैं. ठीक है, अवेयरनेस काफी आ रही है कि भाई हमने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है. तो डेफिनेटली ये आप देख सकते हैं डिफरेंस है कि अगर आपने 60-40 का चीज ली है तो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है डेफिनेटली. ठीक है,
प्लस आपका रेंटल फॉरन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पेमेंट प्लान पे जा रहे हो जहाँ आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेमेंट प्लान, तो मैं अडॉप्ट ना करें आप उस चीज को। अगर लेट्स से अगर डेवलपर आपको प्राइस बढ़ा रहा है डेफिनेटली पेमेंट प्लान पे, या तो वो बहुत ज्यादा 4 से 5 साल का हो तो आपको थोड़ा सा फायदा मिल रहा हो, ठीक है। एनुअल 6% 6.5% तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत एग्जैजरेटेड है, एग्जैजरेटेड पर्सनल लोन से इससे भी कम पे मिल जाएगा। बिल्कुल, तो इस बेटर आप फिर इस सिनेरियो में आप जैसे 60-40 वाले भी चीज पे आए, ठीक है, 60 कंस्ट्रक्शन पे, अगर आपको लगता है कि यार मुझे बेचना है 2027 में आफ्टर 3 ईयर्स, आप उसको सेल कर दें, ठीक है। अगर वो मिलियन का आपने 6 लाख लगाए और आपको अगर 1.5 मिलियन का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपने स्टिल आपने 30% आपने अपनी प्राइस का ले लिया 3 साल का। 1.5 मिलियन प्रॉफिट तो नहीं, 1.5 मिलियन का मतलब बिक रहा है अगर, राइट, मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट आपको अगर मिल रहा है, 1.5 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, राइट राइट। और ये आपके नॉर्मल है मार्केट में कि आप जो भी प्राइस पे, क्योंकि जो 60-40 बेसिकली पेमेंट प्लान होता है वो इसी चीज को देख के बनाते हैं इन्वेस्टर के लिए, खास तौर पे कि वो 60 पे करे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एट द टाइम ऑफ हैंडओवर वो उसको फ्लिप करते हैं। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी, तो उस जितनी उसने पेमेंट की है उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और पेमेंट्स का क्या, सॉरी, तो इसका प्राइस का क्या स्टेटस है? प्राइस इसका है 550 से स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है, स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दैट विल बी गो 650-700। और इसी तरीके से 1 बेडरूम इसका 850 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 मिलियन तक जा रहा है। सही। और 2 बेडरूम इसके, 2 बेडरूम अगर हम बात करेंगे तो मिलियन से 2 बेडरूम है, और 1.2-1.25 का आपको, इवन 1.3 के भी जो है ना, 2 बेडरूम। और मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस तकरीबन 15 से 16 दिरहम होंगे। अच्छा, हम यही बात कर रहे थे कि जो बिल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा एमिनिटीज दे रही है उनके अंदर जो जो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। हाँ, ज्यादा होंगे, प्लस क्योंकि उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, वो रेंटल भी ज्यादा जल्दी जाएंगे। कोई बुक करना चाहता है, चाहे वो यूएई में हो चाहे वो यूएई से बाहर हो, तो बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि हम एक छोटा सेगमेंट भी रखते हैं कि कैसे बुक करते हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं कि शायद हमें यहाँ आना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सब चीजें ऑनलाइन होती है, तो आपने अगर बुकिंग की बात करेंगे तो आपके एक पासपोर्ट कॉपी रिक्वायर्ड है, उसके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप आए या ना आए, ठीक है, इस डिपेंड वो सब ऑनलाइन ही काम होता है। इवन जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी है वो भी दुबई गवर्नमेंट से वाया ईमेल, ऑफिशियल ईमेल आपको ईमेल पे रिसीव होंगे, ठीक है, कोई मतलब हार्ड कॉपी आपको रिसीव नहीं होगी, सिवाय SPA जो कि सेल्स परचेज एग्रीमेंट है, वो आपको फिजिकल डिलीवर होता है और वो आप वापस करते हैं, तो उसके बाद की जो टाइटल डीड हो गई आपके, लेकिन उसके वो भी कुरियर से आ जाएगा, वो भी कुरियर से आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें और पेमेंट जितनी भी होंगी इनके एस्क्रो अकाउंट में डायरेक्टली आपने ट्रांसफर करनी होगी, ठीक है, और बाकी जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम शेयर कर देते हैं कस्टमर को, मोस्टली सबकी सेम ही होती है, ठीक है। और ऑन टाइम डिलीवरी डेफिनेटली जो हम बात कर रहे हैं वो आपको हर डेवलपर दे रहा है इस टाइम पे। सही सही। 3 इयर्स में इसका कंप्लीशन टाइम, 3 इयर्स में कंप्लीशन टाइम, इस वक्त वो फ्लैट लैंड होगी वहां पर, अगर जाके देखें, अगर हम जाके भी अगर हम बी रोल्स वगैरह भी लगा सकते हैं तो वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये 2 वीक्स पहले ये जस्ट लॉन्च किया है, तो अभी इसके मतलब सारी चीजें ऑन गोइंग प्रोसेस है, बट स्टिल अभी मार्केट में आप देख रहे हैं रमजान है, इतना रश हो रहा है, लोग स्टिल इंटरेस्टेड। आई वाज सरप्राइज कि रमजान में इतना रश है। अच्छा, इसमें मेट्रो जो लॉन्च हुई है, बिल्कुल, जो अनाउंस हुई है, बिल्कुल, वो इसकी कितना करीब है? अराउंड 10-15 मिनट्स वॉक पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। तो मेट्रो की वो जो फीडर बसेस होती हैं, प्रॉब्ली हाँ फीडर बसेस होंगी, आप वो भी ले सकते हैं, ऑलरेडी बस स्टॉप वहाँ पे बन चुके हैं एरियाज में, तो जैसे ही ये लाइन स्टार्ट होगी मेट्रो की तो फीडिंग अभी जो है करंट स्टेटस की बात करूंगा तो वो दुबई मॉल तक जो है ना डायरेक्टली बस जाती है, तो विद इन 30 मिनट्स वो आपको दुबई इस लोकेशन प्रोजेक्ट की लोकेशन से दुबई मॉल डायरेक्टली पहुंचा देगी विद इन 30 मिनट्स। सही। चलो यार, जबरदस्त, थैंक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिवन। यहाँ पर और लोग भी हमें नजर आए, प्लस ये कि ये JVC में नहीं है, JBT में नहीं है, एक नया एरिया है जो मैंने, हम लोगों ने तो पहले नहीं कवर किया, ये किया था हमने, लेकिन AG, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी दूर था वो। हाँ नहीं, यही एरिया, यही सेम एरिया था, सही, वही प्रोजेक्ट हमने किया। सही सही सही, ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच महमूद। और अगर किसी को कोई
क्वेरी हो, कुछ हो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर महमूद या और भी जो इनकी टीम के मेम्बर्स हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा महमूद के पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग, हम हर दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद एक इस तरह के टूर पे निकलते हैं। बाकी कुछ वीडियोस के यहाँ पर लिंक लगा दिए हैं, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।